पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एक मैंने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि केरवाला गांव के अंदर 20 से 25 महिलाएं इकट्ठी हुई थी और गांव के लोगों ने उनको घेर रखा था। उन महिलाओं को हालांकि पुलिस की निगरानी में डबवाली तक छोड़ा गया था, लेकिन उसमें एक नया अपडेट ये है कि पुलिस ने उन महिलाओं को हिरासत में लिया है, उन पर FIR दर्ज की है, साथ ही क्या उनका पर्चा दर्ज यहाँ पे किया गया बताया जा रहा है और उन महिलाओं को एलनाबाद SDM कोर्ट में पेश किया गया है। चलिए इस तमाम मुद्दे पर, इस तमाम घटनाक्रम पर पुलिस क्या कुछ कहती है, रानिया थाना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और रानिया थाना SHO इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, आखिर किस प्रकार की कार्यवाही की गई, जाँच के दौरान क्या क्या मुख्य तथ्य सामने आए, चलिए वो जानते हैं। Guru Kashi University, North India's most promising university with 100+ graduate and postgraduate programs, a place of learning where cultural diversity and heritage coexist with streams like engineering, agriculture, law, physical education, hotel management and many others. We are Guru Kashi University. कौन महिलाएं, वो क्या काम करती हैं, क्या जांच में सामने आया है और क्या उन पे मामला दर्ज किया है? जो महिलाएं पकड़ी गई थी केरवाड़ा बस अड्डा पे, वो पंजाब की रहने वाली हैं और जो कागज वगैरह चुगने का काम करती हैं। पब्लिक को वैसे भी शक हो गया था कि वो होटल पे चाय वगैरह पी ली थी, उनका लड़ाई झगड़ा हो गया होटल वाले के साथ, जो होटल पे काम करता बंदा राकेश नाम का लड़का। पुलिस मौके पर पहुंच गई, फोन आ गया था पब्लिक का, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, डब वाली महिला पुलिस ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? लड़ाई झगड़े का जो है उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन ले दिया, SDM साहब के एलनाबाद आज उनको पेश कर दिया गया। इनके साथ कोई पुरुष भी था या केवल महिलाएं? कितनी महिलाएं टोटल इस एरिया में बताई जा रही है, कुछ सामने आया था? नहीं, इनके साथ कोई पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं ही थी। कितनी महिलाएं मैम? 22 महिलाएं। मैम क्या कोई चोरी की वारदात या कोई वारदात को अंजाम देने की घटना भी इन्होंने पर कबूल की है? नहीं, ऐसी बात पुलिस के सामने कोई नहीं आई कि इनकी कोई चोरी की नीयत है या चोरी की वारदात इन्होंने कोई की है। मैम ये इकट्ठी महिलाएं एक साथ यहाँ क्या करने आए थे, क्या इनका मुख्य उद्देश्य था इस एरिया में, कहाँ कहाँ ये रहती हैं? पूछताछ के दौरान यही आया है कि ये बठिंडा की रहने वाली है और 10 दिन 5 दिन ये कहीं रहेगी, इनका कागज चुगने का और यही रोजगार है। क्या